नमस्कार दोस्तों, स्वागत। इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल की तरफ से जो है बीएसएफ वाटर विंग रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया है। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो इसका देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है और इसका अप्लाई ऑनलाइन का भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। इससे पहले मैंने जो है बीएसएफ ग्रुप बी के लिए वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप करके आप लोग को बताया था। पहले वीडियो आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, 8 जून उसका लास्ट डेट है। और ये जो नई वैकेंसी आई हुई है बीएसएफ वाटर विंग की, ये जो है 28 जून तक इसका लास्ट डेट है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस मतलब वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है। इसमें कई तरह के पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर के हैं, कांस्टेबल हैं, इसके साथ ही साथ हेड कांस्टेबल भी हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पोस्ट है, ये जो है एक तरह से ट्रेड वाला पोस्ट है। जैसे कि हम आप बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में, मतलब किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी जानकारी बताई गई है। एसआई के लिए कितना मतलब एज होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और ऑल इंडिया वैकेंसी, आप किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और काफी ज्यादा पोस्ट है, 281 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आप देख सकते हैं मास्टर है, इंजिन ड्राइवर है, वर्कशॉप है, मास्टर इंजिन ड्राइवर वर्कशॉप, वर्कशॉप में भी और सारे बहुत सारे पोस्ट है हेड कांस्टेबल में, जैसे कि डीजल पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रीशियन, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर। देखिए इसमें आवेदन करने के लिए मतलब इस ट्रेड में आपको जो है ऑलरेडी सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, जो कि आपको मैं बताता हूँ। आप नीचे आएंगे तो यहीं पर आपको देखिए बताया गया है कि आपका क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बोला गया कि अगर आप सब इंस्पेक्टर मास्टर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो 10+2 पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ बोला गया है एंड में सेकेंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए, या स्टेट आइसलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या मैकेनेटाइल मैरिन डिपार्टमेंट में। तो ये सारे क्वालिफिकेशन आप देखेंगे, मतलब जो है 12वीं के साथ साथ आपको जो है उस ट्रेड में, इंजन ड्राइवर है तो इंजन ड्राइवर में आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वर्कशॉप है तो वर्कशॉप में डिप्लोमा होनी चाहिए या जो भी है। इसके साथ मास्टर यहाँ पे देखिए आपको जो है सेरंग सर्टिफिकेट यहाँ पे बोला गया है। इंजन ड्राइवर के लिए बोला गया कि मैट्रिक के साथ साथ आपको जो है इंजन ड्राइवर भी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट प्रोसेसिंग, ठीक है, वर्कशॉप यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको देख, सिटी क्रू के लिए बोला गया मैट्रिक के साथ साथ आपको जो 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑपरेशन ऑफ बोट, बोट चलाने का ऑपरेशन होनी चाहिए, मतलब आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको हाइट बताइए कि आपकी हाइट क्या होनी चाहिए। तो एसटी एससी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट बोली गई है फिजिकली, जो यहाँ पे बोला गया मिनिमम, और यहाँ पे मैक्सिमम जो भी हो सकता है आपका, और यहाँ पे चेस्ट भी बोला गया है। साथ ही साथ जो यहाँ पे जनरल है और अलग अलग जो है अदर स्टेट वाले 165 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट आपको रखी गई है। तो ये हमने बात किया फ्रेंड्स शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में। आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया गया है कि आपका फर्स्ट रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका सेकेंड में फेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेजिकल मेजरमेंट होगा। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी फ्रेंड्स आपको जो है डिफेंस जॉब पोर्टल में मिल जाती है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एप्लीकेशन फी बोला गया ग्रुप बी के लिए 200 रुपये, और यहाँ पे ग्रुप सी पोस्ट के लिए 100 रुपये, बाकी एससी एसटी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना है। और यहाँ पे आपको जो है सभी जानकारी बताई गई है कि इस पोस्ट में कितना एज लिमिट है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी आपको बता दिया गया है, आप यहाँ से शॉर्ट टर्म में भी पढ़ सकते हैं, यहीं पे आपको अप्लाई लिंक भी मिल जाता है। चलिए आप यहाँ पे अप्लाई लिंक पे आने के बाद से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई हेयर का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप ऑलरेडी बीएसएफ में अपना अकाउंट बनाए हुए हैं और ऑलरेडी आपने कभी फॉर्म फिल करा हुआ है, तो आप अपना जो है कैंडिडेट लॉगिन भी कर सकते हैं। कैंडिडेट लॉगिन में अपना ईमेल आईडी पासवर्ड भर के लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो है अपना प्रोफाइल अपडेट करना होगा, अपडेट करके फिर से फॉर्म को अप्लाई करना होगा। अगर मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर हेयर का ऑप्शन मिला, न्यू रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो है नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिख के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिटी डिटेल्स, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी डिटेल्स में कुछ भी चूज कर सकते हैं, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी आप चूज करेंगे आइडेंटिटी टाइप उसी का नंबर यहाँ पे आपको जो है लिख देना है। आधार मैंने चूज किया तो आधार नंबर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आयु आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी, नेशनलिटी बताई गई है, आपका फादर नेम मदर नेम लिखना है। फिर यहाँ पे आपका पूरा परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब बॉडी में क्या एक पहचान है आपको ये चीज बतानी है। फिर जेंडर बतानी है, मैरिड है कि अनमैरिड है। फिर यहाँ पे आपको जो रिलीजन बताना है, हिंदू है कि मुस्लिम है, कैटेगरी बतानी है। फिर पूछ रहा है, अगर मान लीजिए आप ओबीसी से आते हैं, तो अगर आप मान लीजिए एससी से चूज किए तो एससी आप चूज करेंगे तो यहाँ पे ये ओबीसी वाला ऑप्शन हट जाएगा। ओबीसी चूज करेंगे तो पूछ रहा है कि क्या आप जो है ओबीसी
मतलब नॉन क्रीम लेयर से आते हैं, अगर आते हैं तो यस करेंगे, ठीक है, नहीं आते हैं तो यहाँ पे सिंपल नो भी कर सकते हैं। तो ये आपको बताना है, अगर आप जनरल चूज करते EWS और जनरल का भी ऑप्शन है तो ये सारी चीजें हट जाएंगी। देख रहे हैं यहाँ पे EWS आता है तो EWS का सर्टिफिकेट नंबर कब आपका मतलब किसके द्वारा जारी किया गया, राज्य का नाम बताएंगे और सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट कौन से जिला से आपने इश्यू करवाया हुआ है और किसके द्वारा आपने करवाया हुआ है, जिसे बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे ऑदर का भी ऑप्शन है, डिप्टी कलेक्टर, सिटी मजिस्ट्रेट, DM या तहसीलदार। तो जो आपका जहाँ से आपने जारी करवाया है ये चीज़ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आप वहाँ बता देंगे। फिर कब आपने जारी करवाया अभी आपको बतानी होगी। चलिए यहाँ नीचे पूछ रहा है कि क्या आप जो है विकलांगता है, नो रहेगा, आप एक्स सर्विसमैन है, नो, अगर आप यस करते हैं तो यस भी कर सकते हैं। आप बताएंगे किस तरह के एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व संख्या बताएंगे, टोटल सर्विस कितना किया था। डिपार्टमेंटल, अगर आप विभागीय मतलब मान लीजिए आपके माता पिता सेंट्रल या गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वो अपना जो है बता देंगे, विभागीय नहीं करते हैं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। देखिए पर्सनल डिटेल्स आपका सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे स्टेज में आ गए, एड्रेस वाला फिल करना है आपको, तो प्रॉपर एड्रेस को फिल करेंगे, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पुलिस स्टेशन, सभी चीजों को। फिर अगर पूछ रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस सेम सेम है, कोरस्पोंडेंस की तरह सेम सेम टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाता है, फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करनी है। अब सेव एंड नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपके पास एनसीसी है, एनसीसी है तो यस करेंगे और एनसीसी के प्रमाण पत्र संख्या को बताएंगे, ठीक है ना, सारी जानकारी को आपको बताना है किस प्रकार का है, BSC है, नहीं है तो यहाँ पे सिंपल नो कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं और ये चीजें आपको देखिए प्राप्त करने का, मतलब हमने यहाँ पे नो किया तो डाटा थोड़ा सा फैच नहीं हो रहा है, वो अभी फैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है फिजिकली स्टैंडर्ड, आपका हाइट कितनी है सेंटीमीटर में बताएंगे, आपका चेस्ट कितना है, आपका वजन कितना है। फिर पूछ रहा है क्या आप जो है आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस हैं, यस नो में आपको बतानी है। फिर यहाँ पे आपको नीचे में सेव एंड नेक्स्ट करनी है। जैसे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ से जो है आपको अपना क्वालिफिकेशन को बतानी है। तो देखिए बारी बारी से सबको ऐड करेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए ऐड करा हुआ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 10वीं क्लास को ऐड किया हुआ है, फिर इंटरमीडिएट को मैंने ऐड किया हुआ है, फिर यहाँ पे डिप्लोमा को ऐड किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप जो है बारी बारी से जितना भी आपने कोर्स करा हुआ है, ITI करे हैं या जो भी डिप्लोमा किए हैं, डिग्री किए हैं, सबको बारी बारी से ऐड करेंगे। यहाँ पे जो है अपना क्वालिफिकेशन को चूज करेंगे, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, कब आपने पास करा, किस राज्य से आपने पास करा, फिर यहाँ पे बोर्ड का कौन सा नाम है ये बताएंगे, ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे जो है ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने गलती ऐड कर दिया तो यहाँ डिलीट का भी ऑप्शन है या एडिट करने का भी ऑप्शन है, तो ये चीज आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब चीज ऐड करने के बाद से आपको यहाँ पे नेक्स्ट करनी है। नेक्स्ट करते हैं, पूछ रहा है कि आर यू एम्प्लॉई, अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो यस करेंगे और अपनी एम्प्लॉयमेंट की जानकारी बताएंगे, नहीं कार्यरत हैं तो नो कर देंगे, ये हट जाएगा। फिर यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, तो जितने तरह के डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे हैं वो आपसे मांगे जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके जो प्रोफाइल सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैं देखिए जो भी मैं फॉर्म भरता हूँ ना यहाँ पे डेमो के तौर पर भरता हूँ, आपको जो है सही सही सभी चीजों को भरना है, डेमो पे मत जाइएगा, बट मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि कहाँ पे क्या अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे फोटोग्राफ, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, यहाँ पे इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको जो डिप्लोमा, जो आप डिप्लोमा या एक्सपीरियंस है या ITI होल्डर है, जो भी है आप अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। अगर आप EWS या SC ST या इनसे आते हैं तो आपको अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता, तो ये चीज क्या करेंगे अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही देखिए आपका प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपने जो है सारा अपना प्रोफाइल को अच्छे से फिल कर लिया है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है अपना, यानी यहाँ पे BSF की जो पोर्टल है वहां पे आपने जो है 100% अपना प्रोफाइल को अपडेट कर लिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है। अगर आप ऑलरेडी पुराने कैंडिडेट्स होंगे और डायरेक्ट आप लॉगिन करेंगे ना तो इसी तरह से डैशबोर्ड खुलेगा, तो आपको यहाँ पे माई प्रोफाइल अगर आप चाहते हैं अपडेट करने तो अपडेट कर सकते हैं, डैशबोर्ड पे भी आ सकते हैं। तो आज डैशबोर्ड पे आएंगे ना तो नीचे में आपको देखिए अप्लीकेशन हिस्ट्री भी दिखाएगा कि आपने कौन कौन सा फॉर्म अभी तक भरा हुआ है, तो जो लोग ऑलरेडी पहले से आवेदन किए हुए हैं BSF का उन्हीं का दिखाएगा, न्यू रहेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा। आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपको यहाँ पे अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो अभी फिलहाल चल रही है वैकेंसी, जैसे BSF ग्रुप बी चल रही है तो यहाँ पे दिखा रहा है, और BSF वाटर विंग जो चल रही है अभी आज से स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप इसके सामने वाले ऑप्शन पे अप्लाई हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखिए आप लॉगिन है ऑलरेडी, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है आपका वेलकम, इस तरह से दिखा रहा है, डैशबोर्ड दिखा रहा है, तो इसे समझिए कि आप ऑलरेडी लॉगिन है। चलिए यहाँ पे करते हैं अप्लाई हेयर पे क्लिक। जैसे आप अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा कि आप जो कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है वो सारे पोस्ट आएंगे आपके प्रोफाइल के हिसाब से मैच करते हुए, जो आपने प्रोफाइल सेट किया हुआ है हाइट, डिप्लोमा, जो भी क्वालिफिकेशन आपने फिल किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपको
आएगा उसको चूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि मेट्रिकुलेशन आपको पास होनी चाहिए, यस रहेगा। फिर पूछ रहा है 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी बोल रहा है, जो कि बोट बिलो 265 HP का, तो ये भी यस रहेगा। तो जो आप क्वालिफिकेशन मतलब जो आप यहाँ पे चूज करेंगे ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपसे जो है मांगेगा। तो इसमें सभी का सभी जो है सर्टिफिकेट, देखिए इसमें मैंने यहाँ पे इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट मांग रहा है, ये यस रहना चाहिए। तो इसी तरह से आपको देखना है कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और क्या है आपके प्रोफाइल के अनुसार। आपके प्रोफाइल के अनुसार मान लीजिए कुछ अलग है, आपने डिप्लोमा किया ही नहीं है, तो यहाँ पे वो वाला ऑप्शन खुल के आएगा ही नहीं कि अप्लाई करें, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डिप्लोमा का एक जो है ऐड करा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे और जिससे पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं और यहाँ पे यस कर देंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक मांगेगा, वो यस करना होगा। अब यहाँ पे श्रेणी पूछ रहा है कि आप जो है बताएंगे अपना श्रेणी। देखिए इसमें से श्रेणी आप जो है शेड्यूल ST एडवाइस ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग नागाज एंड मिजोरम, फिर पर्सनल बिलोंग टू हिल एरिया, पर्सनल बिलोंग टू अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। देखिए अगर आप इन जगहों से आते हैं, ST से आते हैं, या आदिवासी हैं ऑफ ऑल स्टेट या इंक्लूडिंग नागाज एंड मिजोरम, तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे अगर आप वहां के स्टूडेंट हैं। तो अगर आप यहां से आते हैं जिसे बिलोंग टू हिल एरिया, जैसे गढ़वाल हुआ, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हुआ, इन जगहों से आते हैं, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, या यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार आइसलैंड, तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे अगर आप इन जगह से आते हैं। इन दोनों के अलावा आप किसी दूसरे जगह से आते हैं, दूसरे स्टेट से आते हैं या यूनियन टेरिटरी से आते हैं, तो यस ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। समझ में आ गया। हाइट जो आपने भरा था वो ऑलरेडी शो हो रहा है। यहाँ पे आपको जो है अब अपलोड करना है अपना ITI डॉक्यूमेंट्स। तो मान लीजिए आप यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन चूज करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज करने का ऑप्शन आएगा। और मान लीजिए आप एक्सपीरियंस वाला भी कहीं कहीं में मांगा गया, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा ही आएगा। चलिए आप अपना सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे जो है आपका प्रीव्यू खुल जाता है कि आपने क्या क्या फॉर्म अप्लाई करा हुआ है, क्या क्या फॉर्म आपने भरा हुआ है, वो सब चीज यहाँ पे शो होता है। अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल डिटेल्स गलती हो गया तो एडिट कर सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ गलत हो गया तो एडिट कर सकते हैं, आइडेंटिटी कुछ गलत हो गया तो एडिट कर सकते हैं। तो हर सेक्शन में एडिट का ऑप्शन बना हुआ है। तो सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से मिलाएंगे, वेरीफाई करेंगे कि सब चीज जांच कर लेंगे कि क्या क्या आपने सही से भरा है कि नहीं भरा है। फिर यहाँ पे आपका अमाउंट शो करेगा, कितना रुपया एप्लीकेशन फी आपको जमा करना है, इसको डिक्लेयर करना है। फिर यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये अब आगे प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको जो है प्लेस भी लिखना है, ये कांट ब्लैंक रहेगा इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा था। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस चूज करना है कि आप जो है कहाँ पे एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। तो इससे जो भी आपको नियरेस्ट पड़े अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और अब आपको पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से डिक्लेरेशन आएगा, पे एग्री पे क्लिक करेंगे, अब ये आगे प्रोसेस होगा। और यहाँ पे देखिए आपका जो है पेमेंट गेटवे खुल चुका है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम वॉलेट का भी ऑप्शन है। इसमें से जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शंस को चूज करके एप्लीकेशन फी जमा करेंगे और इसका फाइनल प्रिंट आउट अपने पास निकाल के हार्ड कॉपी रख लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है BSF जो वाटर विंग की वैकेंसी निकाली गई है, आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सभी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाती है, आप एक बार जरूर यहाँ पे भी पढ़ेंगे, कन्फर्म करेंगे। और अगर आप एलिजिबल हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस सर्विंग फॉर एवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।